क्लासेस ऑफ एसबीएस स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश हम रीड सेक्शन सी चैप्टर नंबर 3 वेस्पर्स। वेस्पर्स में होता है शाम का समय या सायंकाल। एट फर्स्ट यू विल कंप्लीट वर्ड मीनिंग ऑफ द चैप्टर। ड्रूप्स मींस होता है झुकाव झुकना। ड्रूप्स मींस झुकना। ड्रेसिंग गाउन, ड्रेसिंग गाउन मतलब होता है लंबा कपड़ा या लबादा, लंबा कपड़ा या लबादा। हुड, हुड मींस होता है सिर गर्दन ढकने के लिए टोपी, सिर गर्दन ढकने के लिए टोपी। नील, नील मींस होता है घुटने के बल बैठना, जिस तरीके से प्रार्थना करते हैं। वेस्पर, वेस्पर मींस होता है शाम का समय या सायंकाल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मींस सुंदर। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मींस भूल गया। रिमेम्बर, रिमेम्बर मींस याद करना, रिमेम्बर मींस याद करना। डेयर, डेयर मींस साहस। और प्रेयर, प्रेयर मींस प्रार्थना, प्रेयर मींस प्रार्थना। विस्पर, विस्पर मींस फुसफुसाना मतलब होता है कान में बोलना। नाउ आई विल टीच यू चैप्टर लिटिल बॉय मींस एट द फुट ऑफ द बेड। छोटा सा जो बच्चा था अपने बिस्तर से उठकर पैरों के बल, घुटनों के बल नीचे जमीन पर झुक गया। ड्रूप्स ऑन द लिटिल हैंड्स और जो इस तरीके से झुक गया अपने छोटे हाथों को जोड़ते हुए। गोल्ड हेड अपने सुनहरे सर के पास रख दिया। हस, हस विस्पर हू डेयर्स मतलब फुसफुसाया, किसने साहस किया। क्रिस्टोफर रोबिन इज सेइंग हिज प्रेयर। क्रिस्टोफर रोबिन जो है वो अपनी प्रार्थना कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है। गॉड ब्लेस मम्मी ईश्वर वरदान दे। आई नो मैं जानता हूँ दैट इज राइट कि वह सही है। वाज नॉट इट फन यह मजाक नहीं है। वाज नॉट इट फन यह मजाक नहीं है। इन द बाथ टू नाइट पिछली रात को नहाना यह मजाक नहीं है। द कोल्ड इज सो कोल्ड इतनी सर्दी थी। एंड द हॉट इज सो हॉट और जब गर्मी होती तो कितनी गर्मी होती है। ओ गॉड ब्लेस डैडी ईश्वर वरदान दे। आई क्वाइट फॉरगेट मैं भूल गया था। इफ आई ओपन माई फिंगर्स अगर मैंने अपनी उंगलियों को खोला। आ लिटिल मोर मैंने अगर थोड़े भी समय के लिए अपनी उंगलियों खोला। आई कैन सी नैनीज ड्रेसिंग गाउन तो मुझे नैनी का ड्रेसिंग गाउन मतलब नानी का क्या दिखाई पड़ेगा। ड्रेसिंग गाउन लबादा ऑन द डोर दरवाजे पर। इट इज अ ब्यूटीफुल ब्लू इट इज अ ब्यूटीफुल ब्लू यह खूबसूरत नीला है। बट इट इज नॉट अ हुड इसमें हुड नहीं है मतलब सर और गर्दन को ढकने के लिए कैप नहीं है टोपी नहीं है इसमें। ओ गॉड ब्लेस नैनी एंड मेक हर गुड उनको अच्छा रखे। माइन हैज अ हुड मेरे पास एक हुड है। एंड आई लाई इन बेड में बिस्तर पर लेटा हूँ। एंड पुल खींच रहा हूँ द हुड राइट ओवर माई हेड अपने सर के ऊपर से खींच रहा हूँ। एंड आई सेट माई आईज और मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ। एंड कर्ल अप स्मॉल एंड नोबडी नोज दैट आई एम देयर एट ऑल और किसी को भी मालूम नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ। ओ थैंक यू धन्यवाद गॉड ईश्वर फॉर अ लवली डे एक अच्छे दिन के लिए। एंड व्हाट वाज द अदर आई हैड टू से और मैं क्या मतलब मुझे क्या कहना पड़ता है था। आई सेड मैंने कहा ब्लेस डैडी सो व्हाट कैन इट बी यह क्या हो सकता है। ओ नाउ आई रिमेम्बर अब मुझे याद आया इट यह गॉड ब्लेस मी ईश्वर मुझे वरदान दे। लिटिल बॉय छोटा सा बच्चा नील्स झुकता है एट द फुट पैरों के बल ऑफ द बेड बिस्तर पर। ड्रूप्स ऑन द लिटिल हैंड्स अपने छोटे छोटे हाथों को भी झुकाता है। लिटिल गोल्ड हेड अपने सुनहरे सर के पास ले जाता है। हस हस विस्पर हू डेयर्स किसने साहस की। क्रिस्टोफर रोबिन इज सेइंग हिज प्रेयर क्रिस्टोफर रोबिन अपनी प्रेयर मतलब प्रार्थना कर रहे हैं। होमवर्क में आप नोट करेंगे कंप्लीट मीनिंग रीड चैप्टर 3।